बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं डिप्टी कमिश्नर चारसद्दा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज चारसद्दा के अंदर एक इमरजेंसी सिचुएशन चूँकि डेवलप हो रही है, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि तमाम चारसद्दा के लोगों को एक मैसेज देता चलूँ। आज सुबह की रिपोर्ट्स के मुताबिक सवात रिवर के अंदर ख्वाजा खेला के मुकाम पर काफ़ी बड़ा पानी का रेला देखने को मिला है, जिसकी जो तादाद है वो हमारा जो मुंडा हेडवर्क्स है उसकी कैपेसिटी से कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ख्याल किया जा रहा है कि हो सकता है कि चारसद्दा के कुछ इलाकों में जो कि सवात रिवर के साथ साथ तंगी और शबकदर के इलाकों में और फिर सरदरियाब के इलाके में तहसील चारसद्दा में सैलाब आने का ख़तरा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम उन लोगों से जो कि दरिया के आसपास रह रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन जारी है उसके अंदर ज़िले इंतज़ामिया के साथ तआवुन करें और अपने आप को महफूज मकामात पर ले जाएं। इसके साथ साथ मेरी ये दरख्वास्त होगी कि बिल्कुल पैनिक ना करें, बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई अफरा तफरी जो है उससे गुरेज करें। बड़े ही डिसिप्लिन के साथ जो जगहें ज़िले इंतज़ामिया ने मुख्तस की हैं उन जगहों के ऊपर अपने आप को शिफ्ट करें। हमारी कोशिश होगी कि आखिरी हद तक जो है हम आपको वहाँ पे फैसिलिटेट करें। इस तरह की जो भी आफत आती है उसके अंदर तमाम लोगों से हमारी ये दरख्वास्त होती है कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें जिस हद तक हो सके, और ऐसे लोग जिनके पास कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, जिनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ज़िले इंतज़ामिया भी ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त कर रही है, और आप ख़ुद भी एक दूसरे की मदद करें, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसका नुकसान जो है वो कम से कम होगा और हमारा बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी जानी या माली नुकसान जो है वो नहीं होगा। हमारे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है सबसे ऊपर वो लोगों की जान बचाना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग इवैक्यूएट हो सकते हैं टाइमली उनको कर लिया जाए। मेरी तमाम चारसद्दा के लोगों से एक दफ़ा दोबारा ये दरख्वास्त है कि इस सिचुएशन के अंदर एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर आपको दिया जा रहा है, उसके ऊपर अपने अपने इलाके के अपडेट देते चले जाएँ, अपने इलाके की जो है वो सिचुएशन भी बताएँ, और बग़ैर किसी खौफ और आस के पहले अपने आप को और अपने ख़ानदान को ऐसे इलाकों से दूर कर लें जहाँ पे पानी के आने का ख़तरा है। बहुत शुक्रिया।